क्या काम करते थे आप पहले? पहले काम करते थे कढ़ाई का, उसके बाद वो बंद हो गया काम, कंप्यूटर से होने लगा। अच्छा, वो कंप्यूटर से होने लगा, पहले हाथ से करते थे आप, हाथ से कारीगर हो? चिकन का। चिकन के? अच्छा, कितना सारा सामान कितने का है? 3-4 हज़ार रुपये का। 3-4 हज़ार रुपये का। कमाई कितनी होती है? अब इसमें कहा जगह जगह बैठे हुए हैं लोग, कमाई क्या है, कभी 100 की होगी, जब कमाई किसी दिन 50 की रह जाती है किसी भी। ये आपका या चलने का? हाँ, इससे चलते हैं। परेशानी चलने में? एक्सीडेंट हो गया जब बैठ गया। अच्छा, तो ये पैर काम नहीं करता? करता है, कम करता है, दर्द करता है। स्थिति कैसी है घर की? किराए का मकान, आप इस चीज़ को परेशानी है और आराम कहाँ था। परेशानी तो बहुत होगी इस लॉकडाउन में। सुबह से कितनी कमाई हुई? कमाई क्या, दुकानदारी हो गई। जी? कमाई क्या होगी, दुकानदारी जो होगी, छोटे से दुकानदारी हो गई है, कमाई थोड़ी हो जाएगी, मगर सामान के भी तो पैसे निकालोगे। मतलब 100-200 में 10-5 रात मुश्किल से 5-10 रुपये बचोगे? बस गुजारा हो जाता है इतने में? गुजारा क्या करोगे, गुजारा ना करोगे क्या, अब मेहनत कर नहीं सकते, मजदूरी कर नहीं पाएंगे। बाबा, ये हमारी तरफ से रख लो, आप आज की आपकी दिहाड़ी। आप हम कहाँ दे पाएंगे, ये थोड़ी थोड़ी खुशियाँ हैं जो हमें देनी है चेहरे पे। जैसे आपकी थोड़ी सी खुशी आई ना, एक तो खुशी आई आपके चेहरे पे, ये नहीं आई। क्यों उदास हो गया आप, चाहे बताओ? मैं भी तो बेटा हूँ ना आपका, तो एक बेटा अपने बाप की मदद तो कर सकता है ना? कर तो सकते हैं, सारी परेशानियाँ पैसे की हैं हर जगह। अब किराए का मकान, लड़की शादी के लिए, बच्चे भी शादी के लिए हैं, उनकी संबंध, कमाई तो है नहीं। बाबा, मैं अपनी वीडियो के माध्यम से बस यही सिखाना चाहता हूँ लोगों को, आप जाने अनजाने में बिना वजह भी लोगों की मदद कर दिया। दुआ देना बस बाबा, ठीक है ना? ठीक है, शुक्रिया। आप हिम्मत मत हारना कभी भी, हिम्मत कभी ना हारना। अगर हिम्मत हारते यहाँ क्यों बैठे होते? बिल्कुल बिल्कुल।